अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज का जो अगला हमारा टॉपिक है वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो टॉपिक है ये मैट्रिक की केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 10 है और चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट या एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। यूनिट नंबर 10 जो सेकेंड चैप्टर है मैट्रिक क्लास की केमिस्ट्री का उसका टॉपिक है। सो न्यूट्रलाइजेशन को आइए स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज बेसिकली द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। मतलब जब भी हमारे पास कोई एसिड किसी भी बेस के साथ रिएक्शन करेगा उसके नतीजे में जो कंपाउंड आपको मिलेंगे उसमें एक सॉल्ट होगा और दूसरा जो है वो वाटर होगा। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो एसिडिटी और जो बेस की बेसिसिटी है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है और आपको जो प्रोडक्ट मिलते हैं न उनमें एसिडिटी होता है होती है और न उनमें बेसिसिटी होती है। नो एसिडिटी एंड नो बेसिसिटी, ठीक है। इसलिए बेसिकली इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब अगर आप गौर कर ले तो वाटर का जो पीएच है वो 7 के बराबर है जो न्यूट्रल होता है, और सॉल्ट जो है इसका अगर आप गौर कर ले तो इसका पीएच भी 7 के बराबर होता है। अदर साइड अगर आप बेस को देखें तो बेस का पीएच 7 से ज्यादा होता है और जो एसिड है उसका पीएच 7 से कम होता है। लेकिन जब दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो दोनों के रिएक्शन से सॉल्ट और वाटर बनेगा जिनका पीएच 7 के बराबर है, और वो सोल्यूशन न्यूट्रल सोल्यूशन होगा जिसमें सॉल्ट और वाटर मौजूद होंगे। इसलिए इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जांपल क्या होगा, मैं HCl का एग्जांपल ले लेता हूं कि हमारे पास एक स्ट्रांग एसिड है HCl, ये NaOH के साथ रिएक्ट करता है। NaOH के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो इनके आयन एक्सचेंज हो जाते हैं, हाइड्रोजन का प्लस चार्ज, क्लोरीन का नेगेटिव चार्ज, सोडियम का प्लस चार्ज, हाइड्रोक्सिल का नेगेटिव चार्ज। इसका नेगेटिव चार्ज जो है ये अटैक कर लेता है इसके पॉजिटिव पे, और इसका नेगेटिव है ये इसके पॉजिटिव पे अटैक कर जाएगा। इन टर्न क्या हो जाएगा, हमारे पास सोडियम क्लोराइड बन जाएगा प्लस वाटर बन जाएगा। अब जो सोडियम क्लोराइड है ये हमारे पास सॉल्ट है और वाटर जो है वो ऑलरेडी न्यूट्रल है, दोनों हमारे पास न्यूट्रल बन गए, इसलिए ये रिएक्शन जो है वो क्या कहलाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाएगा। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर पूछते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव एग्जांपल्स, आपने फिर कोई ना कोई एग्जांपल देके इसको बता देना है कि ये हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है। अब मैं एक और एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ कि हमारे पास अगर हम कंसिडर कर ले कोई और एग्जाम्पल जिसमें हमारे पास HNO3 है। लाजमी नहीं है कि आपको ये एक एग्जाम्पल ले रहे, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर उसके बाद आप जो भी मर्जी एग्जाम्पल ले। हम सोडियम अपना हाइड्रोजन नाइट्रेट को लेते हैं, नाइट्रिक एसिड को लेते हैं, और साथ साथ हम लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की बजाय कोई और बेस, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि ग्रुप 2 के मेटल्स का बेस है। अब ये दोनों आपस में जब रिएक्शन करेंगे अगेन काम वही होगा, हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज है, नाइट्रेट पे ओवरऑल नेगेटिव चार्ज है, पोटेशियम पे प्लस 2 चार्ज है, हाइड्रोक्सिल पे माइनस 2 चार्ज है। तो ये आपस में एक्सचेंज कर जाएंगे, इसका नेगेटिव इसके साथ, और जो इसका नेगेटिव है वो एसिड के पॉजिटिव के अटैक कर जाएगा, और इन टर्न जब ये एक्सचेंज होंगे तो आपके पास कैल्शियम नाइट्रेट बनेगा CaNO3, और ये चूंकि वैलेंसी इसकी 2 होती है तो होल ट्वाइस हो जाएगा, प्लस हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन जब मिलेंगे वो वाटर बना देंगे, और इस तरह से आपका ये कैल्शियम नाइट्रेट जो है ये सॉल्ट बन गया। और इसको बैलेंस करने के लिए आप थोड़ा सा देखेंगे कि बैलेंस्ड फॉर्म में ये है कि नहीं है,
बैलेंस्ड फॉर्म में ये नहीं है, यहाँ पे देख ले हमारे पास नाइट्रोजन 2 है और यहाँ पे इस साइड पे नाइट्रोजन 1 है। सिमिलरली हाइड्रोजन अगर लेफ्ट पे मैं देख लू, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 इधर आ गए, 1 ये आ गया, 3 है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो जाएंगे, इसको भी मैं 2 और 2 4 कर लेता हूँ, ठीक हो गया। सिमिलरली नाइट्रोजन 2 हो गए, यहाँ पे भी नाइट्रोजन 2 है, और ऑक्सीजन की बारी है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6 हो गया, 2 ये हो गया तो 8 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6 और 2 यहाँ पे हमारे पास ये आ गए, 2 8 हो जाएगा। तो ये रिएक्शन अब बैलेंस्ड फॉर्म में मौजूद है। आप हर रिएक्शन को जब लिखेंगे तो आप इसको बैलेंस्ड फॉर्म में ही लिखेंगे ताकि आपको नंबर कोई ना कटे, आपसे कोई नंबर ना काट सके। अब बारी क्या आती है, बारी हमारे पास इस बात की है कि न्यूट्रलाइजेशन में जो ओरिजिनल रिएक्शन होता है, ओरिजिनली द रिएक्शन इज बिटवीन हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। जो ओरिजिनल रिएक्शन होता है वो क्या होता है, वो इन दोनों का होता है, ठीक है। कैसे होगा ये मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूं कि हमारे पास अगेन वी विल गो टुवर्ड्स द रिएक्शन कि हमारे पास जो HCl है इसको जब हम डिसोसिएट करवा दें, ये हमें हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करता है प्लस क्लोराइड आयन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। लेट सपोज 1 मोल है, 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है एक रिएक्शन के अंदर, और 1 मोल ऑफ HCl है, उसके 1 मोल HCl के ब्रेक होने के बाद हमारे पास जो हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन बनेंगे वो भी 1 मोल और 1 मोल ही बनेंगे। सिमिलरली हमारे पास जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसको अगर हम डिसोसिएट करवा दे तो ये सोडियम हमें देगा 1 मोल ऑफ सोडियम देगा और 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन देगा, ठीक हो गया। अब ये दोनों जब है, इन दोनों को अगर हम रिएक्शन के फॉर्म में लिख लें तो हमारे पास ओरिजिनली जो आएगा वो क्या होगा, वो हमारे पास ये रिएक्शन होगा कि हाइड्रोजन इन एक्वस फॉर्म प्लस क्लोराइड इन एक्वस फॉर्म प्लस सोडियम इन एक्वस फॉर्म, ठीक है, प्लस हाइड्रोक्सिल आयन इन एक्वस फॉर्म। ये आपस में ओरिजिनली रिएक्शन करते हैं जो यहाँ पे मौजूद है ये, ठीक है। ये सारे इधर लेफ्ट पे आ जाएंगे क्योंकि एक सोल्यूशन के अंदर ये HCl और ये NaOH दोनों इस फॉर्म में होंगे, एक उस फॉर्म में जब ये जाएंगे तो ये आयनिक फॉर्म में चले जाएंगे और इनके आयन आपस में रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पे जब ये जाएंगे तो हमारे पास ओरिजिनली उस सोल्यूशन के अंदर जो चीज मौजूद होगी वो होगा Na प्लस आयन प्लस Cl माइनस आयन, और H और O जो OH जो है वो दोनों मिल के क्या बनाएंगे, वो वाटर बनाएंगे। अब इसको आपने बैलेंस आउट करना है कि हमारे पास ये बैलेंस्ड फॉर्म में मौजूद है या नहीं है। बैलेंस करेंगे उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास कितने हाइड्रोजन होंगे और कितने हाइड्रोक्सिल होंगे और कितने वाटर मॉलिक्यूल होंगे। यहाँ पे मैंने एक एक ले लिया क्योंकि यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन ये है, एक ये है, 2 हाइड्रोजन हो गए, एक ऑक्सीजन है, एक क्लोराइड, एक सोडियम है, ये ऑलरेडी बैलेंस फॉर्म में मौजूद है। अब हमने करना क्या है, थोड़ा सा लेफ्ट राइट दोनों साइडों को देख के हमने कैंसिल आउट करना है जो सेम चीजें हैं। लेफ्ट पे हमारे पास क्लोराइड आयन मौजूद है, राइट पे भी क्लोराइड आयन मौजूद है, जो लेफ्ट है सोडियम मौजूद है, राइट पे भी सोडियम मौजूद है। तो ओरिजिनली जो रिएक्शन होगा वो किसका होगा, वो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोक्सिल इन दोनों का आपस में रिएक्शन होगा और उसमें क्या बनेगा, वाटर बनेगा। नाउ दिस रिएक्शन इज बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसमें जो चीजें सेम थी वो कैंसिल आउट हो गई और जो चीजें बच गई वो है हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। तो नेट रिएक्शन इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज बेसिकली द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। अब मैं एक और चीज आपको बता दूं कि जो हमारे पास हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल के अलावा क्लोराइड आयन मौजूद थे यहाँ पे, और दूसरा ये सोडियम आयन जो मौजूद है, सोडियम और क्लोराइड दोनों जो है ये दोनों साइडों पे है, यहाँ पे भी है, राइट और लेफ्ट दोनों साइड्स पे है, और इनको हम कहते हैं स्पेक्टेटर आयंस। इनका कोई काम नहीं है, ये स्पेक्टेटर आयंस का काम करते हैं, ये रिएक्शन नहीं करते, लेफ्ट राइट दोनों पे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो दीज आर एक्टिंग लाइक स्पेक्टेटर्स, जस्ट ऑब्जर्वर्स है, और ऑब्जर्वर एंड पे कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो रिएक्शन होगा वो होगा बेसिकली बिटवीन हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयंस।